दरभंगा राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर में जो बजरंगबली की प्रतिमा है वहाँ पे निरंतर लगातार शनिवार को एक हनुमान चालीसा का आयोजन होता है जो अखिल भारतीय हिंदू जागरण समिति के द्वारा किया जाता है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा के साथ लंगर की व्यवस्था होती है जिसमें अमीरी और गरीबी शब्द जो होता है ना उसको मिटा दिया जाता है। कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से वो आयोजन करते हैं और इसकी फंड कहाँ से आती है। जी, ये फंड जो है हम लोग जो है जो अस्थाई काल से जो सदस्य हैं उनके द्वारा साप्ताहिक हम लोग देते हैं, ताकि जितने भी दाता हैं उन लोगों से हम लोग पैसा नहीं डिमांड करते। हर शनिवार को अलग अलग तरह का खाना बनता है। जी, कभी खिचड़ा बनता है, कभी पूरी खीर बनता है, कभी आपको चावल और कढ़ी बड़ी बनता है, कभी राजमा बन जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश। क्या है? हम यहाँ सदस्य। यहाँ कुछ और सदस्य लोग भी हैं, उनसे ज़्यादा निकालिए कि मतलब इस प्रकार का जो आयोजन कर रहे हैं मतलब कैसा लगता है, इसका फंडिंग कहाँ से होता है और जो सामान यहाँ बनते कितने लोग लगभग यहाँ पे खाते होंगे? 2 से 3 हज़ार लोग जो है जो हर एक शनिवार को आते हैं लंगर में खाने के लिए, और लंगर की व्यवस्था सचमुच आप बोल रहे थे ख़त्म हो गई, और इसको पुनः स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति तत्पर है। इसमें जो है गरीबी अमीरी का पाक खत्म हो जाता है, इसमें सब एक साथ मिलकर जो है एक साथ मंडल में भाग लेते हैं और धर्म का भी थोड़ा मजबूती होता है। एक साथ हम लोग जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होता है, हर एक कार्यकर्ता कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। क्या नाम है? संतोष कुमार। सर, हमारे संस्था में एक बहुत बड़ा खासियत है कि इसका अध्यक्षता भी बजरंगबली खुद करते हैं और जो भी है यहाँ कार्यकर्ता एक सदस्य के रूप में ही है। कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ अब लंगर की जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई थी, वो लंगर की व्यवस्था यहाँ पे फिर से धीरे धीरे शुरुआत की गई है। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे संगठन या समिति बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष सचिव महासचिव सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। सबसे खास बात यहाँ पे और भी है कि गरीबी और अमीरी का जो दूरी होता है वो यहाँ पे मिट जाता है। इस लंगर में सभी लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पे ना तो चंदा लिया जाता है और ना किसी से पैसा लिया जाता है। जो भी इसमें सदस्य होते हैं वो खुद अपने से सारे सामानों की व्यवस्था करते हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अनुप कुमार।